Hello guys, it's my first voiceover video जो कि एक basically वो 6x M416 6x spray के लिए ही बोला गया था, तो मैं उसके लिए ही बना रहा हूँ ये आप लोगों के लिए. So let's start. पहले हम लोग ट्रेनिंग में जाएंगे. ट्रेनिंग में आने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट यू हैव टू नीड M416 लेना है सिर्फ. सॉरी, जितना गोली है सब not in a space bag extender compensator use karo, अच्छा रहेगा. और vertical, the vertical और angle दोनों लेके. मेन चीज़ होता है कि आप जब ऐसे 6x में करते हो तो आपका रिकॉल बहुत ही ज़्यादा होता है, ऊपर जाता है, ज़्यादा नहीं रहता, ऊपर जाता है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट यही सेटअप होना चाहिए M4 का ज़्यादातर यही सेटअप रहना चाहिए. तो इसमें आप क्या करोगे, कोप करने के बाद एडजस्ट में जाके 3x कर लेना, ठीक है. अब 3x करने के बाद आप जब करोगे, ये रिकॉल कम होता है, इसका रिकॉल बहुत ही कम है, इसका रिकॉल बहुत ही कम होता है. सो यू कैन कंट्रोल इट. और सेटअप यही होना चाहिए, ये कंपेंसेटर लगेगा पहले और उसके बाद वर्टिकल एक्सटेंडर एयर और ट्रैक स्कोर. अगर आपको कुछ भी करना है सो ये ऐसे करके, इसका रिकॉल बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही, जब इसका रिकॉल बहुत ही कम है. सो आप जब इसको 3x में कर लोगे तो वो सही रहेगा. मारना है किसी को ऐसे रिकॉल. और अगर आपको किसी जगह पे अगर मतलब प्रोन रहना है, प्रोन रह के करना है, फिर आप क्या करना है, एंगल फोर ग्रिप को चेंज कर लेना, ठीक है. एंगल फोर ग्रिप को जब चेंज कर दोगे, ये रह गया आप प्रोन, ठीक है. यू नहीं आ रहा है. एंगल फोर ग्रिप में आप पूरा 6x कर लोगे तो भी आप रिकॉल कर पाओगे, क्योंकि एंगल फोर ग्रिप बनाई है सिर्फ प्रोन के लिए. आप पूरा 6x में भी खत्म कर सकते हो किसी को. अभी यही सबका ट्रेंड में आ रहा है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया. मेरा फर्स्ट वॉइस ओवर है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया. सिर्फ 3x करके जो भी आ रहा है सामने, यू कैन कंट्रोल इट. आप 3x बना के खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
कोई रिकॉइल नहीं होगा, बट यू हैव टू मेक इट इन 3x। बट दैट्स ऑल, यही था जो एक भी था, यही था, यही एक वीडियो बनाना था बस। And I didn't understand that you